देखो तो इधर तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं फिर से एक बार घाट पे। ये लोग देखिए ये यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए ये बवाल हो गया था यहाँ पे। ये मतलब वहाँ पे कुछ लोग गाड़ी खड़ी कर दिए थे और उस पर मतलब ऊपर जो रहने वाला है वो नीचे वहाँ लिखा हुआ था गाड़ी का खड़ी करना सख्त मना है। और तो क्या हुआ कि फिर जब उन्होंने ऊपर से मिट्टी फेंक दिया कचरा तो नीचे वाले फिर बवाल कर रहे थे आके तुम साफ करो ये वो सब नोटिंग हो रहा था। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं अभी भी बहुत सारा ये इधर ये भाई नहा रहे हैं। गहरा है उतना गहरा है वहाँ पे गहरा है तुम्हारी तो फट जाएगी। तो बहुत सारा है तुम्हारी तो फट जाएगी। मैं जाऊँगा उस आदमी से पूछ रहा है कि मतलब गहरा है कि नहीं है तब उसके बाद ये उतरेगा वहाँ पे पानी में। यहाँ तुम उतर सकते हो गए तुम्हारे कितना होगा बहुत होगा गर्दन बराबर होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स हम लोग नहाने वाले हैं। यहाँ का ये बवाल शांत हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ यहाँ पे बवाल आप लोगों को थोड़ा सा चल के मैं दिखाता हूँ बवाल क्या है वहाँ पे। तो ये देखिए ये साफ कर रहे हैं ऐसा ये कचरा पड़ गया है ऊपर से वहाँ से उन्होंने वहाँ से कचरा डाला था और आप लोग देख सकते हैं ऐसा इसी के लिए बवाल हो रहा था यहाँ पे इतनी देर से। आए थे पुलिस वाले भी आए थे लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। तो ठीक है बवाल से हम लोग ये बवाल जाता हुआ दूर ये देखिए बवाल ये दूर गया और हम लोग अब चले अपने ये नहाने के लिए। ये अब से एक आगे जा रहा है तुम कूदने वाले ऐसे कपड़े वपड़े के साथ में क्या बे? इधर का ये नज़ारा देखिए आप एकदम तगड़ा वाला पूछिए मत। ये आशीष घूम रहा है इधर ये यहाँ थोड़ा बवाल हो गया था लेकिन मामला साफ हो गया है क्योंकि गाड़ी पार्क करना वहाँ सख्त मना है लिखा था उन्होंने गाड़ी पार्क किया था। गाड़ी पार्क करने की वजह से थोड़ा लफड़ा हुआ था इसलिए कोई बात नहीं है 100 नंबर की गाड़ी आई कि आपने सॉल्व करा दिया? नहीं हमने नहीं सॉल्व कराया सब प्रशासन हमने सोचा आपकी अयोध्या में प्रशासन बढ़िया है ऐसी बात नहीं है। अयोध्या में प्रशासन बढ़िया है वो देखो उधर से वो तुमको सूट किए जा रहा है अलग से है। ये देखो भाई यहाँ पे नहा के निकल रहे हैं तो मैटर सॉल्व हो गया ना वो पूरा सॉल्व हो गया है क्योंकि गलती उसी आदमी की थी कि कचरा फेंक गया ऊपर क्योंकि कचरा फेंकना पूरे गवर्नमेंट का प्रावधान है। हाँ गाड़ी खड़ी है ठीक है लेकिन वहाँ पुलिस आके चालान कर सकती है या कुछ भी कर सकती है ऐसे थोड़े ये हो सकता है लेकिन आपको कचरा फेंकना कूड़ेदान का व्यवस्था जब पूरे अयोध्या में किया गया है तो आप अपने घर का कचरा कूड़ेदानों का प्रयोग करिए। ये बात हुई आपकी ठीक है। क्या इसको नहाने की पड़ी है क्या तुमको केवल नहाना नहाना सूझ रहा है इन द वाटर? वाह ना तैरने आता नहीं है और चले हैं बनने अम्मा। ये देखो इनको फिर मतलब बात की ये इधर आप एक पुरानी मंदिर भी देख सकते हैं एकदम टाइट वाली पुरानी मंदिर है ये इधर और ये इधर यहाँ से ये होता है। और आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ा उस पार जहाँ पे आप देखेंगे जो फवारा यहाँ पे जो मोटर सिस्टम लगा हुआ है ये तो पूरा ये सब राम पैड़ी है आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक जितना आप देख सकें वहाँ तक। ये इधर ये हुई बात यहाँ पे देखिए लोग नहा रहे हैं ये खतरनाक यहाँ पे और ये नहा रहे हैं लोग एकदम मजे से दिख रहा होगा आप लोगों को एकदम। और हम लोग भी इसी में अभी नहाने वाले हैं मज़ा तो आएगा ही। और ये देखिए आप लोग ये यहाँ लोग सब एकदम खतरनाक नहा रहे हैं ये बहुत दूर तक आप तो आप लोगों को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कहाँ तक है ये पूरा यहाँ से ये स्विमिंग पूल आप लोग आते हैं ना तो मतलब मज़ा ही आ जाता है एकदम से। अयोध्या घूमिए हनुमानगढ़ी जाइए और पूछिए मत ये यहाँ पे लोग नहा रहे हैं और यहाँ से आगे एक वो ब्रिज बनी हुई है वो वहाँ पे और उससे भी आगे अभी ये काफ़ी आगे गया हुआ है यहाँ से आप नहाते रहे तो इस तरफ क्या है इस तरफ गहरा कम है घाट भर पानी है लोग नहा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ बैठे भी हुए हैं ये कुछ टट्टू बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से ये मतलब ठंडक ले रहे हैं गर्मी में जैसे
भैंसे घुस जाते हैं कहीं तालाब वालाब में, उस तरह का ठंडक ले रहे हैं ये तो। और उसके बाद उस तरफ गहरा वाला है, उस तरफ देखो मतलब कुछ लोग ऐसे अंदर उधर, हाँ ये यहाँ पे आप उस तरफ देखेंगे तो ये गहरा है, वो देखो हाँ वो रहा नहा रहा है कोई। और अब चल रहा हूँ मैं भी नहाने, तो अगर हुआ तो आपको सेट कर दूँगा, आप लोग देखते रहना, नहीं तो फिर मैं तो मज़े ही करूँगा यार। चलो लेने हैं मज़े अभी, दो दिन हो गए और नहाने का मज़ा तो लेना ही है आज, सरयू मैया है यहाँ पे तो नहाएंगे, यहाँ नहीं तो कहाँ।